नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहाइंड द कर्टेंस। पर्दे के पीछे की कहानी असल में है क्या? इस देश में चौथा स्तंभ और बाकी घटक पर्दे के आगे आपको क्या दिखाते हैं वो महत्वपूर्ण कितना है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दिन पूर्व आपको मालूम है दिल्ली में तमाम देशभर के राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे, उसमें विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नहीं थे। ममता दीदी आई, नीति आयोग की बैठक में गई, ये कहा कि मुझे पूरा बोलने का अवसर नहीं मिला, मेरा माइक बंद कर दिया और बाहर आ गए। लेकिन एक शख्सियत के दिल्ली आने की सबको इंतजार था, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली उनको आना था लेकिन वो आए नहीं। अब उनके न आने के पीछे कारण क्या है? हालांकि उनके दोनों डिप्टी सीएम जो बीजेपी से है वो दोनों आए, नीति आयोग की बैठक में भाग लिया, लेकिन जो कदमदार दिल्ली आने के लिए नीतीश कुमार ने रोक दी, पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन इसके मायने क्या है, इसी को समझने के लिए आज देश के वरिष्ठ पत्रकार फोर टीवी के मैनेजिंग एडिटर वाई नसीम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिहार पटना से हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अभय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनके साथ मिलकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के दिल्ली न आने के पीछे का कारण क्या है, बिहाइंड द कर्टेन्स की स्थिति क्या है। वाहिद जी और नसीम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, चलिए जुड़ने वाले हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि दो डिप्टी सीएम को बेचने से क्या सुन पा रहे हैं, पैरोकारी हो गई बिहार की, या यदि नीतीश आते और जिस स्थिति में आज वो है, क्योंकि उनके बल पर भी एक मजबूत पाया वो भी है जिसके आधार पर दिल्ली की सरकार टिकी भी है, जिसने फैसले करने थे करने हैं नीति आयोग की बैठक में। नीतीश कुमार के न आने का मतलब क्या है वाहिद जी? देश भर में नीतीश कुमार की जो इस समय इंपॉर्टेंस है, तो उनका एक कदम इधर पड़ता है चाहे उधर पड़ता है, उससे देश को फर्क पड़ता है आज इस चुनाव के बाद। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने कदम ताल नहीं किए तो इस देश को कितना फर्क पड़ता है और बिहाइंड द कर्टेंस इसके मायने क्या है? राजीव जी, इसमें बिहाइंड द कर्टन न दो बातें, एक तो वो है जिस पर सब चर्चा करेंगे और एक वो है जिस पर सिर्फ मैं ही चर्चा करूं। तो जिस पर सिर्फ मैं ही चर्चा करूंगा वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करूंगा, फिलहाल जिस पर सबकी चर्चा है वो विषय बात उस विषय पर बात कर। देखिए, नीतीश कुमार जी आप अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कुछ आरक्षण को लेकर अपनी रिजर्वेशन जो है वो सरकार के साथ रखी थी, अपने स्टेट को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कुछ बातें रखी थी और उनकी जो आकांक्षाएं थी वो अपने कैबिनेट में कुछ बड़े मंत्रालयों की भी थी। उनमें से मेरे ख्याल से देखिए, जब आप कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो आपके पास बैकआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सवाल ये उठता है कि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो एनडीए को समर्थन देते, उनके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी चुनाव जीतने के बाद भी कि वो खुद अपने आप सरकार की अपने हाथ में कमांड न ले लेते, भले ही प्रधानमंत्री कोई भी होता। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो असल पोजीशन है वो उस तरह से होती जो मतलब वो कमांडिंग पोजीशन में होते और अपनी मर्जी के फैसले सरकार को करवाते, मगर ये सब कुछ दरकिनार किया क्योंकि माफ करना, अगर मोदी जी की कार्यशैली को देखें, उन्होंने कभी कमजोर सरकारें चलाई नहीं, कोलिशन की सरकारें चलाई नहीं। उनकी जो नेचर है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ कहती है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, कैसे वो अपनी सत्ता को चलाना चाहते हैं। यहाँ ना अब विधानसभा के चुनाव सर पे आ गए हैं बिहार में। बिहार में जो चुनाव आए हैं, एक तरफ वो पैरामीटर्स लोग देखेंगे वोट देते वक्त बिहार में, जहां तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार में जिसका कैंडिडेट तेजस्वी को जाता है, भारी तादाद में लोगों को नौकरियां दी और भारी तादाद में जो है वो लोग उससे खुश हुए, जो वो अलग बात है कि नतीजों में कितने बदले या नहीं बदले, मगर भारी वोट परसेंट जो है तेजस्वी के साथ खड़ा है और बढ़ा है।
ऐसे में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा या महापिछड़ा, किसी कई व्याख्या है, मेरे ख्याल से बिहार से हमारे जो पत्रकार साथी जुड़े हैं वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे इस क्वेश्चन को, मगर वो मुझे लगता है राजीव जी कि जो सिचुएशन जो अभी इन्होंने एक रिजर्वेशन पे तो कुछ कोर्ट का भी फैसला आया है, मगर जो कैबिनेट में जो बजट में जो चीजें आई हैं उसी दौरान शायद जो है कोई और इस तरह का फैसला चाहते थे जिसमें वो अपने मनपसंद रिजर्वेशन को बिहार में जो है लागू करवा पाते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मोदी जी ने एक अच्छा पैकेज दिया है, वो पैकेज तो दिया है, इसमें एक और रहस्य है। आते हैं आपके पास वापस, मैं पांडे हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए, मैं आपके पैकेज पे आ रहा हूँ, उनसे जरा एक बार राय ले लूं। ये तो नया पैकेज आया, देश भर में ये कहा गया कि अन्य राज्यों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ, तो ऐसे में बिहार को कुछ होना चाहिए था। अबे पांडे जी, ये जो 26,000 करोड़ रुपए की सड़कें, 4 एक्सप्रेसवे, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, पुलों के लिए 24,000 करोड़ वगैरह वगैरह, ये सब जो पैकेज मिला है, क्या इसकी खुशी में इतने खो गए मुख्यमंत्री जी कि जश्न में डूबे गए, दिल्ली आना भूल गए, क्योंकि नीति आयोग में तो और कुछ भी मिलना था, और भी पैरोकारी उन्हें करनी थी, या जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया और अपना आक्रोश, अपनी नाखुशी उन्होंने जता दी कि जो तुमने दिया वो ऊंट के मुंह में जीरा था, मेरा ना मुंह भरा है और जब मुंह स्वालो करने के लिए है नहीं तो पेट में डालूंगा क्या बिहार के। देखिए राजीव जी, नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें जान पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत सहज नहीं है। नीतीश कुमार जी के मन में क्या कुछ चलता है ये आखिरी वक्त में ही सामने आ पाता है। नीतीश जी नाराज रहते हैं या खुश रहते हैं वो जाहिर नहीं होने देते। रही बात नीति आयोग के बैठक में न जाने की, तो नीतीश जी की लंबे वक्त से एक मांग रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने का। जी जी, कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसे लेकर नीतीश कुमार जी नाराज नाखुश जरूर हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि उन्हें जो पैकेज मिला है वो काफी बड़ा है, लेकिन वो उतना भी बड़ा नहीं है जितनी बड़ी उनकी ये मांग है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग। नीतीश जी वर्षों से ये मांग करते आ रहे हैं और नीतीश जी हर बार ये कहते हैं कि जो कोई भी उनकी इस मांग को पूरा करेगा वो उसके साथ रहेंगे। अब की बार वो सरकार में गए, केंद्र की सरकार में है और बड़ा ओहदा है उनका केंद्र की सरकार में। ये बात अलग है कि जो मंत्रालय उन्हें चाहिए थे, मन मांगे मंत्रालय उन्हें नहीं मिले, बावजूद उसके भी उनकी एक अहमियत है, लेकिन उन्हें जो चाहिए था विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं मिला, इसे लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर में नाराजगी जरूर है। बात अलग है कि उनके दल के जो भी लोग हैं वो शो नहीं कर रहे हैं कि नाराजगी है, वो 26,000 का पैकेज लेकर ही खुश, मतलब दिखा रहे हैं खुशी, लेकिन नीतीश कुमार जी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, और थोड़ा वक्त और है भी खुल करके सामने आए। बिहार में जो हाल है, बाढ़ और आपदा के हाल तो पूरे देश भर में, लेकिन बिहार में तो आपदा जब की आहट हो रही थी उसी समय पुल टूटते गए, वो भी पुल टूटते गए जो बन रहे हैं, वो भी पुल टूटे जिनका उद्घाटन होना था, और कुछ पुलों की सौगात, कुछ पुलों की घोषणा की गई है। तो जिस मात्रा में बिहार के पुल टूटे हैं पिछले 2-4 साल में, इस बार भी, और जिस मात्रा में पुलों की डिमांड है, जिस मात्रा में नेपाल से छोड़ा हुआ पानी बिहार में आपदा लाता है, जो कुछ पैसे की, कुछ धनराशि की घोषणा की भी गई बिहार के लिए आपदा के मद में, आपदा राहत के लिए, क्या बिहार उससे उबर सकता है? क्या बिहार जो हर साल आपदा का दुख झेलता है, करोड़ों करोड़ों की संपदा का नुकसान झेलता है, जान की हानि खाता है, क्या वास्तव में उसकी कार्य की आवश्यकता थी नहीं कि नीतीश कुमार आते, आज उनकी बात का वजन था, क्योंकि उनकी बात यदि नहीं मानी जाती तो वो सरकार को हिला सकते थे। कब तक वो आते थे पिछले साल तक, तो उनकी बात का वजन था नहीं, आज सरकार उन पर टिकी है, तो ऐसे में उनको आना चाहिए था, या वास्तव में ना आके उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी जता दी है उस पैकेज पर जो उन्हें दिया गया है बजट पे बगैर स्पेशल स्टेटस के। जी भाई, ये मेरे से बात की है आपने?
मैं एक बार अब ऐसे राय लूं, फिर आपसे कंक्लूजन लूंगा विश्लेषण इस चीज का। नहीं नहीं अब ये आप मेरे से सवाल किया है राजीव जी। जी भाई चलिए। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी को आना भी चाहिए था और वो नहीं आए हैं, तो वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, ये हम एक इंटरनल विश्लेषण करें तो एक कोई देखिए उस पर मेरे ख्याल से खुलकर कोई मीडिया बात नहीं कर रहा। अगर आपको एक्सप्रेस वे या हाईवे दिए जा रहे हैं तो क्या वो बिहार के लिए दिए जा रहे हैं? वो आप जानते हैं कि वो एक नेशनल फंड होता है और एक जो NHAI का जो एक पूरा प्राधिकरण जो बना हुआ है, जो एक पूरा निगम बना है और जो काम कर रहा है जिस तरीके से, ये एक पहुंच बनाई जा रही है एजेंडा 2030 के तहत। ये एक पूरा प्रोग्राम है जिसे 17 सस्टेनेबल गोल के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। ये देना ही था आपको। जो हाईवेज बिहार में बनाने थे या पूरे देश में, जहां आपने नहीं दिया है, क्या जहां स्पेशल पैकेज नहीं दिया है, क्या आप वहां हाईवे नहीं बना रहे? क्या आपने 36 और रेल ट्रैक बनाने की जो है बात नहीं की है? क्या ये सारी बातें, मगर उसको सिर्फ बिहार की जनता को कन्विंस करने के लिए 70% बजट जो ऑलरेडी प्लान था, उसी बजट को बिहार में स्पेशल पैकेज कहकर दे दिया गया है। और नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनको झुंझुना थमाया गया। बहरहाल वो अलग बात है कि वो इसका विरोध नहीं कर सकते, और विरोध न करने की वजह बड़ी सीधी सी है, क्योंकि वोटर वर्ग को ये तो बताएं कि मैं एनडीए में इसलिए आया हूं और के जो है आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूं। उससे कोई जनता को लाभ होगा या लोकल लोगों में रोजगार पैदा होगा या नौकरी पैदा होगी, ऐसा कोई स्कीम नहीं है, पहली बात। अब ये है कि जो नाराजगी का मैटर आता है, दो दो चीजें आप समझ लें राजीव जी। एक चर्चा है जिस पर कोई बात नहीं करेगा। मैंने कहा था कि मोदी सरकार के अगले दिन जो है वो काफी भारी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार पर पश्चिमी जगत बरहम है, जिस तरह अमेरिका में बाकायदा जो है, हालांकि कुछ दिनों के बाद यूक्रेन जाने वाले हैं मोदी जी, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, मगर बात यह है कि पूरा ब्रिटेन से लेके अमेरिका से लेके खुले खुले शब्दों में, और अमेरिकन राजदूत ने जिस तरह के बयान दिए जो है रशिया यात्रा के ऊपर भारत के जाने के बाद, यहाँ से एक गेम चेंज हुआ है सत्ता के को लेकर। यहाँ कोई ये बात कहे कि हम स्वयं प्रभु हैं और हम कुछ भी नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, बिटवीन द लाइन बहुत सारी बात कहूंगा, नीतीश कुमार ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू और भी कई घटक, ये आपको थोड़े थोड़े दिनों के बाद नाराज होते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे सत्ता के स्क्रू टाइट कर दिए जाएंगे। और सत्ता के, क्योंकि देखिए बिना किसी शर्त के जिस तरीके से नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था, वो समर्थन जो है कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि किस तरीके से जिनके कंधों पर सरकार टिकी हो वो ये कहें कि ठीक है जी आप जो मंत्रालय देना है दे दें, आप स्पीकर भी ना दे तो कोई बात नहीं, आप अच्छा मंत्रालय ना दे कोई बात नहीं, स्पेशल स्टेटस का दर्जा ना दे कोई बात नहीं, फिर भी हम आप ही को समर्थन देंगे। क्या ये इतना सीधा है? अगर देश की जनता इतना सीधा समझ रही है या पत्रकार से इतना सीधा समझ रहे हैं, तो मुझे तरस आता है ऐसे लोगों की अकल पे कि वो इतना सीधा होता नहीं है। सवाल ये है कि देखिए एक बार पूरी सत्ता जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के हाथ जा रही थी, वो नहीं गई है। पश्चिमी जगत चीन के साथ हमारा तनाव चाहता है, और यहाँ पूरी दुनिया के अंदर, हमारे नहीं पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका कहता है चीन मेरे इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है, अमेरिका कहता है रशिया मेरे इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है, दूसरे तमाम देशों से खबर आती है कि कहीं रशिया ने इंटरफेयर किया तो कहीं अमेरिका ने इंटरफेयर किया। अगर ये इंटरफेयर किया है पूरी दुनिया के अंदर, तो आप उससे अछूते हैं? आप पारस से बने हैं? आप सुपर पावर हैं वर्ल्ड की? अगर आप इसी तरह का विश्लेषण करते हैं और इसी तरह देश की जनता को बहकाते हैं, तो फिर ये आपकी अकल का जो है स्रोत है कि आप जो है, आपसे मेरा मतलब तमाम मीडिया से है कि आपकी अकल का ये स्रोत है कि आप ये मानते हैं कि आप जो है बहुत ताकतवर हो गए हैं। देखिये मैं आपको बता दूं, अब भाई जी जरा अंतिम विश्लेषण से पूर्व एक विषय और समझना जरूरी है, कल कुछ ना आपको पूछूंगा। अबे जरा ये समझाइए, आवाज आपको मिल रही है मेरी? अबे हाँ, अबे पंडित जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो हाँ, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है अबे आपको मिल रही है? हाँ, अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जो
कदमताल नहीं हो पाई पटना से दिल्ली तक नीतीश कुमार जी की, क्या उसकी स्क्रिप्ट उसकी भूमिका बुधवार को आरंभ हो गई थी? क्योंकि बुधवार को जब सदन चल रहा था, सदन में विपक्ष ने हंगामा इस बात पर किया कि जिस चीज को लेकर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के तमाम समर्थक देश भर में ये कह रहे थे कि आप छोड़ के पुरोधा है, जो जातिगत जनगणना कराई गई थी, सर्वे कराया गया था बिहार में, उसके पश्चात 65% तक उन्होंने रक्षण कर दिया था सरकारी नौकरियों और शिक्षा में, और उसके बाद जो है केंद्रीय जो आरक्षण का टीवीएस का, उसके बाद जी उनके टेक्निकल इशू है, वो नहीं सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। चलिए आपकी आवाज ब्रेक ब्रेक हो रही है। चलिए भाई जी, मैं आपसे इस बात को और समझना चाहूंगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप बताइएगा अभय जी। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा जो 75% तक पहुंचा दिया था नीतीश कुमार ने, खासतौर पर निकायों के चुनाव में और पंचायतों के चुनाव में, और उसके बाद शिक्षा प्लस रोजगार में 65%, पर 65 के बाद जब ईवीएस जोड़ा भारत सरकार का 10% और बढ़ते हो 75%, अब वो जो पास हो गया है पटना हाई कोर्ट से, उसके बाद जो विपक्ष ने घेरा सदन में और कहा इस आरक्षण का होगा क्या, क्योंकि इस आरक्षण का राज बार बार नाटक है। आपने जो 12 सीटें जीती हैं और जो आपके सहयोगी बीजेपी ने भी जीती है, क्योंकि तमाम जो फैक्टर पूरे देश भर में चले, आपको ध्यान है उत्तर प्रदेश में चला, अन्य जगह चला, जो एमवाई फैक्टर चला, दलित फैक्टर चला, अति पिछड़ा फैक्टर चला, वो फैक्टर बिहार में क्यों नहीं चला? क्योंकि उसका कारण था वो आरक्षण। जिस आरक्षण के को कोर्ट से क्वेश्चन होने के बाद नीतीश कुमार और उनके तमाम लोग इस बात को कह रहे थे हम इसको भारत सरकार को भेजेंगे और भारत की नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव भेज भी दिया औपचारिक तौर पर, लेकिन अभी तक संसद में उसको नवी अनुसूची में डालने की बात हुई नहीं, कोई मजबूत पैरवी दिखी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह तो रखी है हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक तौर पर भी सरकार गई कि नहीं गई आज की पोजीशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल तक की सूचना थी नहीं कि गई कि नहीं गई। अब जो इन हितों को लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई, सरकार तुम्हारी बैसाखी पर चल रही है भारत सरकार की, और तुम्हारा सबसे बड़ा जो इश्यू है बिहार के हित का, बिहार के पिछड़ों का, बिहार के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, बिहार के ईबीएस ईडब्ल्यूएस दलित अति दलित इन सब का जो आरक्षण है एससी एसटी का, वो जो 75% तक गया था, अगर वो नवी अनुसूची में आ जाता है तो आप भी समझते हैं कि उसके बाद वो कोर्ट में चैलेंजेबल मामला नहीं रहता है, तो कोर्ट उसको किसी सुनवाई नहीं करता है, तो वो कानूनी तौर पर फिर यथावत रहेगा। अब नवी अनुसूची में डालने का सबसे गोल्डन चांस आज नीतीश कुमार के पास है, जब उनके पास भारत सरकार के बने रहने या न बने रहने की चाबी है, दो चाबियों में से एक चाबी उनके पास है, एक चंद्रबाबू नायडू के पास है, और इसी को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच एक बार तो बहुमत परीक्षण की नौबत पे आ गई, वोटिंग की नौबत पे आ गई थी सदन के अंदर, और उसके बाद जो है जो तेजस्वी यादव है वो अगले महीने से अगस्त से आरक्षण बचाओ को लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकालने वाले हैं। तो ये जो खिचड़ी है दिल्ली तक कलमतार नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण यथावत यदि नहीं रहता है तो जैसे 12 सीट उन्होंने जीती उनके सहयोग से बीजेपी ने जीती, 5 सीटें पासवान जी ने जीती, ये तमाम सीटें जो मिली है इस बार बिहार में जो सफलता मिली है एनडीए गठबंधन को, उसकी बैकबोन जो आरक्षण था, यदि आरक्षण रद्द हो जाता है, रद्द हो चुका है लेकिन यथावत रद्द रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन हो जाएगा और नवी अनुसूची में नहीं जाता है, तो जो छिछलेदारी नीतीश कुमार की होगी उससे बचने का उपाय उनके पास क्या यही था कि अपने नाराजगी जता दें कि भाई अगले कुछ दिनों में तुम कर दो, और यदि नवी अनुसूची में नहीं डालते हो तो फिर लालू यादव ने तो मेरे रास्ते खोले नहीं है, और इंडिया गठबंधन तो उनका इंतजार कर ही रहा है, दिल्ली न आने का मतलब क्या है? देखिए मैं ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बाकी के जो घटक थे उन लोगों ने एक बायकॉट किया था नीति आयोग का, और बायकॉट करना उनकी स्ट्रेटेजी थी। देखिए उसको भी मैं दोबारा बताता हूँ, पर आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, आप ही की बात को, कि
निश्चित रूप से जिस तरह से नवी सूची में अगर यह आरक्षण नहीं जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो बड़ी सीधी सी बात है, ये इससे नीतीश कुमार का एक जो है वो बैकफुट पे जाना तय है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव आरक्षण आंदोलन को लेके आगे बढ़ेंगे तो वो लीड कर जाएंगे, इवन ये भारी पड़ेगा नीतीश पे भी और भारतीय जनता पार्टी पे भी। बिहार में एक और गेंद, एक हल्की गेंद जो है वो तेजस्वी को मिल गई है, जिसपे वो निश्चित रूप से छक्का मारेंगे, ये तय है। दूसरी बात, वो छक्का बाउंड्री के बाहर भी जाएगा, ये भी तय है। मगर ये जो मोदी जी की जो मजबूरी है वो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वो ये है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, दूसरी जगहों पर आपका जाट आरक्षण की बात हरियाणा में भी है, हरियाणा में चुनाव है, वहां भी चुनाव है, मराठा झारखंड में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, वहां पर जो है, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के गले में उल्टी पड़ जाएंगी और उनको ध्यान में रखते हुए नीतीश की बात को नहीं माना जाएगा। क्योंकि बिहार में फिर भी मुझे लगता है कि इनको उम्मीद होगी बीजेपी को, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वो काफी तादाद में है। अगर थोड़ा बहुत भी नीतीश कुमार का वोटर इनकी तरफ स्वेप करता है तो इनको जीत अच्छे से मिल सकती है, हालांकि नीतीश कुमार का नुकसान होना तय है। तो यहाँ में ये एक अलग मैटर हो गया जो हम लोकल राजनीति में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर लोकल राजनीति को भी देखें लोकल, अब लोकल तो मतलब ये है ना भाई जी, अगर नवी अनुसूची में मांग पूरी कर देते हैं तो 75% तक का आरक्षण तो हर राज्य देगा, हर राज्य भी नवी अनुसूची में करेगा अपने राज्य के विशेष प्रावधान को, या स्वतः मान लिया जाएगा, वही वही आधार हो जाएगा अन्य राज्य का आरक्षण बढ़ाने का। 75% तक आरक्षण करते हैं, हाँ, तो देश भर में बीजेपी का जो ठाकुर ब्राह्मण मतदाता है, बनिया मतदाता है, जो कहा जाता है ये लालाओं और बनियाओं की पार्टी है, उसका क्या होगा? नहीं, मैं नहीं करने वाला तो क्या जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, ये जो आप 75% तक आरक्षण पहुंचाने की या उनकी मांग, या निश्चित रूप से तेजस्वी इसका लाभ तो जरूर लेगा, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आरएसएस और एक जो फाउंडर ऑफ द बीजेपी है, जो कभी भी जब जनसंघ था, जब दीपक था, वो तब भी जब इसके वोटर थे, वो आरक्षण के उतने ही बड़े विरोधी हैं जितने बड़े वो पार्टी के समर्थक हैं। इससे आप अगर इनकार करें तो ये सच से मुंह छुपाने जैसा होगा। तो कुल मिला के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित हो, या फिर यही तो बहस चलती रही, आरक्षण को लेकर ही तो जो है सारा का सारा संविधान और आरक्षण को लेकर ही जो इस बार यूपी में नतीजे जो आए हैं वो इसी बात को तो लेके आए हैं कि संविधान ही दलितों का और जो आरक्षण के लाभार्थी हैं उनका मानना ये है कि संविधान इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि ये इसके बहाने आरक्षण को समाप्त कर दें। तो जिस पार्टी पर ये इल्जाम लगता हो, जिसका जिसको झटका लग चुका हो लोकसभा चुनाव में इस बात को लेके कि आरक्षण विरोधी ये लोग हैं, तो वो आरक्षण का समर्थन करके 75% तक अगर पहुंचा देते हैं तो कुल मिला के क्या वो अपना जो उनका कोर वोटर है वो उसको खोना चाहेंगे, या फिर जो है मतलब बड़ी उलझ गए हैं, ये इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, आप उलझन को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए बताइएगा, क्योंकि जो दूसरे नीतीश कुमार के अलावा जो दूसरा पांव है इस सरकार का, जिस पर ये सरकार टिकी है मोदी जी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू का, उनके चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिमों का आरक्षण की बात है। अब जब वो करेंगे देखिए, उन्होंने पैकेज लिया है, उन्होंने लेकिन जब एक्सीड करेगा लिमिट से तो कोर्ट में पैसा जाएगा। यदि वो एक्सीड करेगा ठीक यहां की तरह, फिर वो भी नवीन अनुसूची की मांग करेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो भी बात करेंगे, नवी और दोनों की मांग नहीं पूरी होती है। हाँ, नहीं राजीव, मैं कह रहा हूं कि नवी अनुसूची में डालने की मांग वो भी करेंगे ताकि कोर्ट से प्रश्न हो, और अगर दोनों नवी अनुसूची को लेकर अड़ेंगे और उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो दिल्ली का तख्त बचेगा, और अपने तख्त बचाने के लिए उनकी मांग मानना जरूरी है। बिल्कुल, जब कदम तक दिल्ली में नहीं रही नीतीश कुमार की, ये संकेत क्या दे रही है? आप ये आपकी आपका बिल्कुल आपका आपका नजरिया है कि वो भी मुस्लिम आरक्षण के पर अड़ेंगे, वो भी नवी सूची में जो है उसको शामिल नहीं करेंगे, वो भी जो है अगर नहीं करेंगे तो मतलब तनाव पैदा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तनाव ये होगा कि नीतीश कुमार को अभी चुनाव लड़ना है। नहीं, मेरी बात समझे ना, चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण नहीं रहेगा तो अगली बार जीतेंगे कैसे? राजीव जी, ये हम बात दाव पैच में आ रहे हैं कानूनी।
अब आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को समझने की कोशिश करें, आरएसएस के एजेंडाज को समझने की कोशिश करें। वो सिर्फ, मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी खुद सत्ता छोड़ना चाहते हैं। मैं तो ये बिल्कुल इल्जाम लगा रहा हूं कि मोदी जी इस वक्त सत्ता में रहना ही नहीं चाहते, इसलिए वो जानबूझ के नाराज कर रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी सीधी सी वजह यह है, नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों का बायकाट करना, बीजेपी का बायकाट करना या लोकल रणनीति का हिस्सा नहीं था। जो ये एक प्रेशर टैक्टिक थी, मैं इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेंसी देखता हूं कि ये जो विपक्ष ने पूरी तरह से जो बायकाट किया नीति आयोग का, क्योंकि नीति आयोग में इंटरनेशनल एजेंडाज को मुख्यमंत्री के साथ समन्वय या विदेशी कंपनियों का मुख्यमंत्रियों के साथ में कनेक्टिविटी का टूटना, उनका विश्वास कम होना है, इन्वेस्टमेंट एफडीआई के कम आना है, और जो उद्योग या जो कुछ आगे की चीजें वो चाहते हैं, जिन जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं उनमें रुकावटें पैदा होना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय जो लॉबी है वो मोदी जी पर प्रेशर बनाएगी कि अगर आपका संघीय ढांचे में मुख्यमंत्रियों का इस तरह से नीति आयोग का बहिष्कार करने की पोजीशन आएगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हमारी प्लानिंग का क्या होगा, हमारी चीजों का क्या होगा। तो ये एक गहरा दबाव था, इसे आप सिर्फ नाराजगी का पैटर्न से मत जोड़िएगा कि कौन आया क्यों नहीं आया। ये जो इसके पीछे की टैक्टिक चल रही है वो एक बहुत बड़े प्रेशराइज जो है मोदी जी को किया जा रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि वो अंत तक झेल पाएंगे, वो प्रेशर में होते चले जाएंगे। ऐसी बहुत सी चीजों पर कॉमन लोग बात करते हुए आपको नजर आएंगे जो कॉमन दिखाई देंगी, पर उनके पर्दे के पीछे बहुत कुछ अनकॉमन होगा। ये राजीव जी स्थिति अब आगे बढ़ रही है और ये और तेजी से आगे बढ़ेगी। अलबत्ता हम ये सुलझाने की कोशिश करेंगे, आगे सब्जेक्ट को थोड़ा कंपैक्ट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, और उनके पशे पर्दा और सरे पर्दा, यानी पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने क्या है, उस विषय को कंपैक्ट करके आगे जरूर समझाएंगे। मेरे ख्याल से काफी लंबा हो रहा है एपिसोड, बाकी आप जैसा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और पर्दे के पीछे है क्या, इसको ही पड़ताल करने की हमने कोशिश की। पर्दे के पीछे बहुत कुछ है जिसका इशारा मिला इस बात को समझ के, क्योंकि इसके पीछे आरक्षण भी है, इसके पीछे नवीं अनुसूची भी है, इससे इसके पीछे वो ऐलान भी है जो तेजस्वी यादव ने किया है कि इसी मुद्दे को लेकर वो बिहार में यात्रा निकालेंगे। इसके पीछे यह भी है कि जो सत्र अभी चला लास्ट सेशन, उसमें तेजस्वी यादव स्वयं उपस्थित नहीं हुए सत्र के अंदर नेता विपक्ष होने के बावजूद, मतलब उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया नीतीश कुमार पर। और इसके पीछे वो मार्ग भी खुला हुआ है जो लालू प्रसाद यादव ने खोला है। तो क्या इन सब के पीछे मोदी जी से वैराग्य पैदा होने लगा है और उसके असंतोष दिखने लगेंगे जब चर्चा होगी बजट पर, और उसमें यदि नीतीश कुमार के सांसद जो है कट मोशन लाते हैं बजट पे, कटौती की मांग करते हैं और कटौती की मांग के बाद अपने राह मानते हैं, सुझाव देते हैं कि उसमें यह जोड़ दिया जाए, उनकी जो भाषा होगी क्या वो तारीफों के पुल बांधेंगे कि बिहार को जो सौगातें मिली है उसके लिए सरकार का धन्यवाद, या वो कट मोशन लाके अपने जो छूटे हुए विषय है जो नवी अनुसूची का की मांग है वो करते हैं कि नहीं करते, और यदि नहीं करते हैं तो किस मुंह से 2025 का चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। और इस सवाल के बीच बिहाइंड द कर्टेंस ये जो सरकार है इसका एक पहिया क्या हिल रहा है, आगे के दिनों में इस बात की और पड़ताल करेंगे वाई जी और तमाम साथियों के साथ। हमारी तकनीकी कारण से बिहार से हमारे साथी जुड़े थे, उन्हें हमारी आवाज नहीं मिल पा रही थी, अभय पांडे जी को आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया दीजिए जाए। नमस्कार।